Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, Self Adhyayan par. Java classes में हम continue करते हैं last video से, जिसमें हमने सीखा था if condition के बारे में. अभी if condition में हम और भी कई तरीके के programs कर सकते हैं. If condition में हम logical functions का इस्तेमाल करते हुए and operator और operator का इस्तेमाल करेंगे. If condition के साथ हम nested if condition भी use करेंगे, if else condition भी use करेंगे. तो आइए उससे related programs हम सबसे पहले देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर and operator का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे. And operator के लिए आपको यहाँ पर ऐसी एज या कोई नंबर डलवाने हैं जिससे हम कंपेरिजन कर सकें, तो वो हम एज प्रोग्राम के अंदर अच्छे से सीख पाएंगे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल. यहाँ पर हमें तीन नंबर डलवाने होंगे. आप ले लेते हैं N1, N2 एंड N3. और लास्ट प्रोग्राम जो हमने सीखा था उसमें से इस इफ कंडीशन को हटा देते हैं. N1 में हमने पहले डलवा दिया है एंटर फर्स्ट पर्सन एज. यहाँ पर हमने अपना थोड़ा सा मैसेज चेंज कर दिया है. अगर आपको लास्ट वीडियो के बारे में नहीं पता तो आप पहले लास्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि स्कैनर आप क्लास के जरिए ऑब्जेक्ट बनाकर नंबर इनपुट करा सकते हैं, इंपोर्ट करा के जावा यूटिलिटी स्कैनर को. इस चीज़ को हम कोड को कॉपी कर देते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. N1 की जगह नीचे ले लेते हैं N2 एंड N3. फर्स्ट की जगह यहाँ पर कर देते हैं सेकेंड और नीचे कर देते हैं थर्ड. यहाँ पर आप मैसेज थोड़ा बदल दीजिए, एंटर फर्स्ट पर्सन एज. नीचे हम ले लेते हैं एंटर सेकंड पर्सन एज और फिर हम डाल देते हैं थर्ड पर्सन एज. तो तीन नंबर हम इनपुट करा चुके हैं. अब तीन नंबर इनपुट कराने के बाद हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी. और कंडीशन किस तरीके से स्टार्ट होगी कि अगर हमारी पहले नंबर की एज बड़ी निकलती है नंबर 2 से एंड नंबर 1 की ही एज नंबर 3 से भी बड़ी निकलती है, तो एंड ऑपरेटर जब ट्रू होगा जब इसकी पहली कंडीशन भी ट्रू होगी और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी, क्योंकि एंड टेबल में दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा. तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा जो मैसेज आएगा system.out.print, हम दे देंगे फर्स्ट पर्सन इज एल्डर. ये केस कब होगा? जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी दूसरे से और पहली कंडीशन ट्रू होगी तीसरे की एज से. अब इसी कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं नंबर 2 पर्सन की एज नंबर 1 से बड़ी होती है और नंबर 2 पर्सन की एज नंबर 3 से भी बड़ी होती है. तो हम कह सकते हैं सेकेंड पर्सन एज इज एल्डर. और फिर से हम यहाँ पर कॉपी करा के पेस्ट करा देते हैं और N3 से चेक करा लेते हैं N1 को और N3 से ही चेक करा लेते हैं N2 को. इसका मतलब थर्ड पर्सन की एज फर्स्ट से भी बड़ी है और थर्ड पर्सन की एज सेकेंड पर्सन से भी बड़ी है, तो हमारा मैसेज बदल जाएगा थर्ड पर्सन इज एल्डर. तो सारी कंडीशन हम यहाँ पर लगा चुके हैं और आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर भी हो गया होगा कि जब आप 2 से ज़्यादा बंदों की एज में कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर से आप मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. कंट्रोल एस से हम इसे सेव करा देते हैं और CMD कमांड में जाते हुए हम यहाँ पर जी लोकेशन पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी ये फाइल जी लोकेशन या किसी भी लोकेशन पर सेव है, तो आप उसे चेक करा सकते हैं. सबसे पहले तो हम करेंगे जावा सी से कंपाइल. जावा सी स्पेस फाइल का नाम है myprogram.java. एंटर करने पर अगर इसमें कुछ एरर होगी तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज मैसेज कुछ नहीं आएगा. तो आप सीधा प्रोग्राम को करा दीजिए रन जावा स्पेस myprogram और एंटर करने पर वो मैसेज देगा एंटर फर्स्ट पर्सन एज. सपोज हम डाल देते हैं फर्स्ट पर्सन की एज 34, सेकेंड पर्सन एज 56 एंड थर्ड पर्सन एज 14. तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा सेकेंड पर्सन इज एल्डर. तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर के थ्रू हम किस तरीके से चेक कराएंगे. अब इसी के अंदर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पे हम स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट डालेंगे और तीन सब्जेक्ट के बाद हम चेक करेंगे कि अगर बच्चे के तीनों सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा है तो बच्चा पास है, किसी एक सब्जेक्ट में अगर कम रह जाते हैं तो कंपार्टमेंट, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में यानी कि दोनों में फेल है या तीनों में फेल है तो फिर हो जाएगा वो फेल। तो यहाँ पर इसी कोड के थ्रू हम उसको प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं, N1, N2, N3 यानी कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, हम यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं। एंटर सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स और एंटर थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स। तो इसी प्रोग्राम में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, तीनों मार्क्स को यहां पर जुड़वाना होगा और उनकी एवरेज निकालनी होगी। यह एवरेज भी आप सीधा ना देकर डायरेक्ट कोड कर सकते हैं क्योंकि हमें नंबर पर ही परफॉर्म करना है। आप यहां पर सीधा लिखेंगे अगर नंबर 1 33 से अबव होता है एंड नंबर 2 33 से अबव होता है एंड नंबर 3 33 से अबव होता है, तो आप यहां दे देंगे मैसेज system.out.println। ये लाइन नहीं देना चाहते, डायरेक्ट दे सकते हैं क्योंकि एक ही मैसेज है हमारा। system.out.print से आप मैसेज दे देंगे पास, क्योंकि सभी में अगर 33 से ज़्यादा है तो पास। अब हम यहाँ पर else if कंडीशन से कंटिन्यू करते हैं, अपनी दूसरी कंडीशन यहाँ पर खोल देते हैं क्योंकि else if के बाद हम तीसरी कंडीशन अगर नहीं भी देंगे तो वो else के रूप में ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। यानी कि पहली कंडीशन हमने इफ से चेक करा ली, दूसरी कंडीशन भी हम else if से चेक कराएंगे और अगर इन पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट थर्ड कंडीशन else वाली अपने आप ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट में अगर बच्चे के मार्क्स कम है 33 से, यानी कि नंबर 1 में, नंबर 2 में और नंबर 3 में, तो बच्चा हो जाएगा फेल। अभी हम एक सब्जेक्ट का जो हमने अभी बात करी थी कि एक में तो कंपार्टमेंट होगी और दो में अगर है तो फेल होगा, वो कंडीशन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं कि सभी में 33 से कम है, तो ऊपर जो हमने सिस्टम का मैसेज दिया था पास का, अब यहाँ पे मैसेज दे देंगे फेल का। और क्योंकि हमें थर्ड कंडीशन लगाने की नीड नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन में आ जाएगी कंपार्टमेंट की। अभी हम इस कोड को पूरा खोल के भी चेक करेंगे। फिलहाल तो हम एक else if स्टेटमेंट से हमने ये सीख लिया है कि हम if, else if, else का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। if else भी हम देख चुके हैं और यहाँ पर हमने अभी एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर तो देखा ही देखा है, अभी और ऑपरेटर को भी सीखेंगे। फिलहाल इस कोड को कंटिन्यू कराते हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि हमने तीन बच्चों के नंबर एंटर कराए हैं। पहली कंडीशन हमारी है कि अगर सभी में 33 से ज़्यादा है तो पास, दूसरी हमारी else if वाली कंडीशन है कि सभी में 33 से कम है तो फेल, और अगर इसके अलावा कुछ नंबर्स मिलते हैं तो फिर आ जाएगा कंपार्टमेंट। कंट्रोल S से हम अपने प्रोग्राम को सेव करा देते हैं, कमांड्स को खोलते हैं, चले जाते हैं जी ड्राइव पर, और जी ड्राइव पर जाने के बाद जावा सी से हम अपने प्रोग्राम को करा देते हैं कंपाइल। कंपाइल कराने के बाद जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे जावा स्पेस माई प्रोग्राम, तो हमसे पूछे जाएंगे नंबर। हमने शायद कोड को सेव नहीं कराया, एक बार कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और फिर से इसको कंपाइल कराने के बाद हम यहां से रन कराते हैं, क्योंकि अगर आपने फाइल को सेव नहीं करा तो फिर वो लास्ट प्रोग्राम जो आपने चलाया होगा वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैसेज बदल चुका है, एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, हम डाल देते हैं 55, 66, 77, मैसेज आ गया है पास का। फिर से हमने रन कराया 12, 31 और 21, मैसेज आ गया है फेल। दोबारा से हम रन कराते हैं 12, 22 और 55, नीचे मैसेज देख सकते हैं कंपार्टमेंट का, क्योंकि कंडीशन ना पहली ट्रू हुई ना ही दूसरी ट्रू हुई तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड कंडीशन को ट्रू मान लेगा। अभी इसमें और कंटिन्यू हम देखते हैं कि यहाँ पर
हम और कंडीशन को भी अप्लाई करके देखेंगे। तो यहां पर स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में हम उस ब्रैकेट को बंद करेंगे। यहां पर और ऑपरेटर का हम साइन दे देते हैं जो कि पाइप सिंबल आप देख सकते हैं कीबोर्ड में होता है बैक स्लैश के जस्ट नीचे। पाइप सिंबल के बाद हम यहां पर जो दूसरी कंडीशन देने वाले हैं वो हमारी है कि अगर नंबर वन में 33 से कम होते हैं एंड नंबर टू में 33 से कम होते हैं एंड नंबर थ्री में 33 से ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने वो कंडीशन दे दी है कि दो सब्जेक्ट में तो मार्क्स कम है लेकिन एक सब्जेक्ट में ज़्यादा है। अब वो पहला दूसरा हो सकता है जिसमें कम है, या पहला तीसरा हो सकता है, या दूसरा तीसरा हो सकता है। तो तीन कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। आप यहाँ पर जो कंडीशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे और सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे और लास्ट में कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आखिरी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ पर हमने दो ही कंडीशन अप्लाई करी हैं, हो सकता है नंबर वन में ज़्यादा हो, नंबर टू में और नंबर थ्री में कम हो, या हम दे सकते हैं नंबर टू और नंबर थ्री। इस तरीके से रैंडमली हमने सेव कर दिया है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं क्योंकि पहले वो आ रहा था कंपार्टमेंट की स्थिति में, अगर दो नंबरों में हमने कम डाले हैं या दो नंबरों से हमने ज़्यादा डाले हैं। अब वो फेल दिखाएगा अगर नंबर वन नंबर टू में हम कम ले लेते हैं और नंबर थ्री में ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर और कंडीशन को अप्लाई करा है। एक बार रन करा के हम देख लेते हैं। जी ड्राइव पर जाएंगे, अपनी फाइल को कंपाइल कराएंगे सबसे पहले, और माइक प्रोग्राम नाम की फाइल डॉट जावा, उसके बाद जावा स्पेस माई प्रोग्राम, नंबर हम डालेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट हम ले लेते हैं कम नंबर, फिर ले लेते हैं हम कम नंबर, और अब की ले लेते हैं ज़्यादा नंबर। तो आप देख सकते हैं वो थर्ड कंडीशन पे नहीं गया एल्स वाली पे, उसने सेकंड स्टेटमेंट को ही प्रिंट कराया है जो कि एल्स इफ वाली स्टेटमेंट थी। तो इस तरीके से हम एंड और अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। होपफुली इफ कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे लूप के बारे में, और इससे रिलेटेड जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप सी ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।